हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जैन सर में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो अहोम पीपल्स हैं, यानी जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल जो सोसाइटीज़ हैं, आपके सोसाइटी जिसमें आपके अहोम्स आते थे, तो उनके बारे में हम, उनकी जो सोसाइटी है वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कैसा था, सो इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो हम अहोम की बात करें, सो द अहोम अ ब्रांच ऑफ द ताइस एंड ट्राइब वेयर ओरिजिनली फ्रॉम मॉन्ग माओ इन प्रेजेंट डे म्यांमार। यानी वो जो अहोम्स थे, वो ट्राइबल जो सोसाइटी कहाँ से आई थी, तो वो जो है आपके ताइसेन जो ट्राइब्स हैं, जो मॉन्ग मॉन्ग जो आपके म्यांमार है वहाँ से वो आए थे, और ये जो माइग्रेट करते हुए कहाँ पर, आसाम में अर्ली जो 13 सेंचुरी CE में आए, और उनके जो लीडर थे जिनका नाम था सुक्काफा, वो डिफेट किए किनको, जो नागा जो ट्राइब्स हैं यहाँ के, देन आपके जो द बोरा बोराहीज है और जो मटकास है उनको सुक्काफा, जो 1228 से 1268 CE तक यहाँ पर जो उनका जो लीडरशिप रहा वहाँ पर, उसने शासन किया। सो इस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट चराइदेओ। यानी आपके जो ये अहोम जो आपके जो किंगडम्स है, या फिर अहोम जो ट्राइबल सोसाइटी के लोगों को इंडिया में लाने का, आसाम में लाने का जो श्रेय है किसे जाता है, सुक्काफा को जाता है। देन द अहोम कॉल्ड देयर किंगडम मॉन्ग डून सुन खम, मीनिंग इसका जो मीनिंग होता है कि कैस्केट ऑफ गोल्ड। सो ये अपने किंगडम को मॉन्ग डून सुन कुम के नाम से जाना जाता था। देन द अहोम डायनेस्टी वेंट ऑन द रूल द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे आसाम फॉर नियरली 600 ईयर्स। नहीं, आपके जो ये जो कहाँ पर, जो प्रेजेंट आसाम के आसपास उसने जो है 600 तक शासन किया, और जो इनका जो कैपिटल था अहोम कैपिटल, जो उनको लेटर बाद में उसने मूव कर दिया कहाँ पर, गढ़गांव, जो आपके 13 किलोमीटर जो प्रेजेंट दे शिव सागर टाउन से 13 किलोमीटर दूर है आपका घर घरगांव, वहाँ पर इनका कैपिटल हुआ करता था। देन द अहोम्स की हम बात करते हो तो लीडरशिप जो किंगशिप थे उस समय सुंग मुंग के हाथों में आ गया 1497 से लेकर 1539 CE तक। तो उसने एनेक्स किया कि नेबोरिंग जो आपके चुतिया जो किंगडम्स है उसको उसने हरा दिया, और जो अभी प्रेजेंट डे शिव सागर और साउथ लखीमपुर है, तो उसके आसपास जो आपके जो चुतिया जो आपके किंगडम थे उनको उसने हराया, और 1522 CE में उसने इस एरिया को अपने कब्जे में कर लिया। देन 1536 CE की बात किया जाए, तो यहाँ पर जो अहोम डिफेट द कचारीज, यानी उसने किसने को हराया, कचारीज को हराया, और जो नागा जो ट्राइब्स थे, नागा जो आदिवासी थे, और उसने कैप्चर कर लिया किसको, दीमापुर को। दस बाय द मिडिल ऑफ द 16th सेंचुरी CE द अहोम्स हैड कंट्रोल ओवर ईस्टर्न एंड नॉर्थन आसाम। यानी जो नॉर्दर्न आसाम है और जो ईस्टर्न जो पार्ट्स है वो कहीं ना कहीं अब अहोम के अंडर कंट्रोल में था। रुद्र जो सिंघा था थे, जो आपके 1696 से लेकर 1740 तक शासन किया उसने, सो इज बिलीव टू हैव बीन द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द अहोम्स। यानी रुद्र सिंघा जो है सबसे पावरफुल और ग्रेटेस्ट, बहुत अच्छे जो शासक अहोम्स के थे। देन अंडर हिम द अहोम्स किंगडम अटेंड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। यानी सबसे ज़्यादा जो फैला अहोम किंगडम तो वो जो है रुद्र सिंह के था, और सबसे बड़ा जो किंगडम के रूप में आपके अहोम्स तो शासक थे आपके रुद्र सिंह। देन अहोम्स की बात किया जाए तो वो इन्वॉल्व थे इन सेवरल जो बैटल्स है, मुगल के साथ भी उनकी लड़ाई हुई, जिसमें मुगल हु वेयर एक्सटेंड ऑन एक्सपेंडिंग द फ्रंटियर ऑफ देयर एम्पायर। द मुगल्स वेयर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द रिच नेचुरल रिसोर्स ऑफ आसाम वैली विच अबंडेड इन एलिफेंट एंड एरोमेटिक प्लांट्स। यानी अब जो
अहोम्स की लड़ाई है जो मुगल के साथ हुई। अहोम चाहते थे कि उनका जो एम्पायर और ज़्यादा बढ़े और कुछ मुगल्स के जो एम्पायर है उसको अपने कब्जे में लिया जाए। साथ ही साथ मुगल्स चाहते थे कि आसाम का जो एरिया है जहाँ पर रिच नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसमें एलिफेंट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, और जो एरोमेटिक जो बहुत ही औषधि जो युक्त जो प्लांट्स हैं, बहुत ही ऐसे जो प्लांट्स जो बहुत ही उपयोगी हो सकते थे, तो ऐसे जो प्लांट्स हैं ये जो आसाम के जो रीजन्स हैं ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पर पाए जाते थे। सो मुगल का जो फर्स्ट अटैक है अहोम पर वो हुआ 1615 CE में। दे वेयर रिपीडली डिफेटेड, यानी जो 1615 में हुआ तो उसमें उनकी हार हो गई। देन वो 1662 CE में फिर से जो मीर जमुला है, द मुगल्स मुगल वायस राय थे उस समय बंगाल के, जो औरंगजेब के अंडर में काम कर रहे थे, तो उसने फिर से जो है अहोम्स के अगेंस्ट लड़ाई किया, जिसमें द अहोम्स कैपिटल एट गरगांव फैल एंड द किंग जय ध्वजा सिंघा फ्लैट टू द हिल। यानी उस समय जो गरगांव है उसको अपने कब्जे में कर लिया किसने, वी मीर जुमला ने। देन बट द मुगल आर्मी ट्रबल ग्रेटली बाय द मानसून मलेरिया एंड डैजेंट्री स्टार्टेड रिट्रेटिंग। यानी जो कहीं ना कहीं उसको कब्जे में तो लिया बट वहाँ के जो मानसून थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है, फिर मच्छर पनपे वहाँ पर, जिससे मलेरिया हो गया, डायजेंट्री हो गया। सो ये जो बीमारियाँ थी इन सब के कारण से उनको वापिस आना पड़ा। बिफोर रिट्रेटिंग मीर जमुला इम्पोज अ ह्यूमिलेटिंग ट्रेटी ऑन द अहोम्स। यानी क्या हुआ कि जब वो वापस लौट रहे थे तो कहीं ना कहीं एक ऐसी संधि हुई उनके बीच में जो कहीं ना कहीं अहोम्स के लिए बहुत ही कष्टदायक था, और दे हैड टू सेड द वेस्टर्न हाफ ऑफ देयर किंगडम फ्रॉम गुवाहाटी टू द मानस रिवर टू द मुगल्स। यानी वो बहुत बड़ा जो एरिया है गुवाहाटी से मानस रिवर तक के एरिया को अपने कब्जे में ले लिए थे। देन 1671 की बात किया जाए यहाँ पर, सो अहोम्स है उसके जो कमांडर इन चीफ थे लचित बारू पखन, उसने क्या किया, उसने जो है मुगल्स के अगेंस्ट विद्रोह किया, उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, और उसने मुगल्स को बैटल ऑफ सराई घाट है वहाँ पर उसने हरा दिया, और फोर्ट अराउंड प्रेजेंट दे गुवाहाटी। यानी जो बैटल ऑफ सराई घाट है वो अभी आसपास गुवाहाटी के आसपास है, तो वहीं पर लड़ाई लड़ी गई, और जो ऑल टेरिटरीज हैड बीन सेडेड वेयर रिकॉर्ड, यानी जितना जो है आपके मीर जमुला के द्वारा ले लिया गया था और संधि हुई थी उसको अंडर कंट्रोल में थे, उनको फिर से वापिस लचित बारूपक्कन के द्वारा वापिस ले लिया गया। देन फाइनल जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, फाइनल जो लड़ाई हुई बिटवीन टू पावर टू प्लेस एंड बैटल ऑफ इटा खुली, यानी जो 1682 में फिर से इनके बीच लड़ाई हुई, जिसमें ये जो द मानस रिवर डिमांड द वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द अहोम्स किंगडम टिल द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश इन 1626 CE। यानी जो मानस रिवर है ये अभी अब क्या हो गया, वही जो है इनका बाउंड्री बन गया मुगल्स और आपके अहोम्स का, कब तक, जब तक 1626 में जो ब्रिटिश है वो इस नॉर्थ ईस्ट एम्पायर में इंटर नहीं हुए, किंगडम में इंटर नहीं हुए, तब तक अहोम्स वहां पर शासन करते रहे। देन हम नेक्स्ट अब की सोसाइटी और कल्चर की बात करें अहोम्स का। सो अहोम्स है वो अपने साथ किन को लेके आए थे, ताई जो कल्चर है, यानी जो म्यांमार से आए थे हमें पता है अहोम्स, तो उनके साथ वो वहाँ के जो कल्चर है यहाँ पर लाए थे, वहाँ के जो बिलीव्स है, वहाँ के जो प्रैक्टिस है उनको यहाँ पर आसाम एरिया में लाए। देन दे पोसेस अ रिच ट्रेजर ऑफ लिटरेचर रिटन इन द एशियन थाई स्क्रिप्ट, यानी उनके पास जो एशियन जो थाई स्क्रिप्ट में है उसमें बहुत सारे जो लिखी हुई उनकी जो मान्यताएं हैं, बिलीफ्स है, तो ट्रेडिशन कल्चर है उसके बारे में वो रिटन फॉर्म में लेके आए थे। देन फर्स्ट की बात करें तो अहोम्स स्पोक द ताई लैंग्वेज, अहोम जो है ताई लैंग्वेज स्पोक करते थे, और जो उनका जो ट्रेडिशंस है वो कहीं ना कहीं उसी रिलीजन ताई लैंग्वेज से ट्रेडिशनल जो रिलीजन है उसको फॉलो करते थे। देन ओवर टाइम टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो आसमिस लैंग्वेज है उनको भी वो लोग अहोम्स है वो एडॉप्ट करने लगे, और जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो आसमिस जो लैंग्वेज है अहोम किंगडम का हुआ। देन द रूलर एंड द राजमंत्री आर सीनियर मिनिस्टर स्टार्टेड फॉलोइंग
हिंदूज में, यानी उस समय जो आपके जो रूलर्स हुए और जो राजमंत्री या फिर से सीनियर मिनिस्टर्स है वो अब हिंदुइज्म को फॉलो करने लगे। देन द रेस्ट ऑफ द पीपल हाउ वी आर कंटिन्यू टू वर्शिप ट्राइबल गॉड्स, यानी और जो बाकी जो ट्राइबल पीपल्स थे वो कहीं ना कहीं जो उनके जो ट्राइबल जो पीपल्स थे, ट्राइबल जो गॉड है उनको वो फॉलो कर रहे थे। देन द ताई होम्स डू नॉट स्पीक द ताई लैंग्वेज टूडे, यानी अभी की बात की जाए तो ताई होम्स है वो अब ताई लैंग्वेज है उसको पूरी तरीके से भूल गए हैं। बट आप जो देखोगे तो उनके जो प्रेस्ट हैं जिसे माओ कहा जाता है, और वो जितने भी परफॉर्म करते हैं, जितने भी पूजा पाठ धर्म कर्म कांड करते हैं, वो सभी अभी भी ताई लैंग्वेज में किया जाता है। और होम्स आल्सो पोजेस द वैस्ट कलेक्शन ऑफ आसमिस लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल टैक्स, फोकलोर है आपके, और स्टोरीज है फ्रॉम द जटाका टेल्स, यानी आपके जो ताई जो लैंग्वेज में जितने भी रिटुअल्स है। जैसे हम बात करें अभी हिंदू को देखते हैं तो हिंदू की मान्यता है कि वो जो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, बट आपको अलग अलग एरिया पर और अलग जो उनकी जो बोलियाँ लैंग्वेज हो जाती हैं, बट अभी भी जो रिटुअल्स जो परफॉर्म पूजा पाठ किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके संस्कृत जो लैंग्वेज है वहाँ पर किया जाता है। सो उसी टाइप्स के जो ताई आपके जो लैंग्वेज है वो अहोम्स का मेन जो लैंग्वेज था, तो जो जितने भी जो कर्मकांड पूजा पाठ है जो रिटुअल्स किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं ताई लैंग्वेज में किए जाते हैं। साथ ही साथ आपके असमिस लैंग्वेज में उनके बहुत सारे जो सोशल कल्चर से रिलेटेड ट्रेडिशनल जो आपके गीत संगीत है वो भी आपको आसमिस लैंग्वेज में भी देखने को मिलता है, और उसका जो कलेक्शन है वो जटाका टाल्स में आपको मिलता है। साथ ही साथ जो होम्स है वो डिटेल जो मेंटेन किए हैं क्या क्रॉनिकल्स है, रिकॉर्ड्स है ऑफ देयर टाइम्स, दिस रिकॉर्ड वेयर कॉल्ड बुरांजिस एंड एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हम सोसाइटी हिस्ट्री एंड कल्चर, यानी जो होम्स है वो पूरा अपना जो रिकॉर्ड है उसका जो एम्पायर का रहा उसका उसको उसने रखा है जिसको बुरांजिस कहा जाता है, और इसमें ही आपके होम्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन आपको जो उनकी जो हिस्ट्री है उसकी जो कल्चर है उसकी जो सोसाइटी है उसके बारे में आपको पता चल सकता है। देन नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर बात किया जाए तो अहोम्स की हम बात करते हैं तो द अहोम्स फॉलोड अ फेयर डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ मोनार्चीज, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम था वहाँ पर, जो किंग है उसको अपॉइंट किया जाता था विद द अप्रूवल ऑफ द पत्र मंत्रीज आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो उनका जो किंग है उसका जो सिलेक्शन कैसे होता था तो वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या फिर जिसे पत्र मंत्री कहा जाता था वो चुनते थे। इफ नो एक्सटेबल कैंडिडेट वॉज फाउंड द किंगडम वो वुड हैव नो रूलर्स, यानी आप यहाँ पर हो कोई जो कैपेबल जो वहाँ पर लोग नहीं मिलते थे, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता था जो गद्दी पर शासन कर सके, वहाँ पर बैठ सके, तो उस टाइम पीरियड्स के लिए उनका जो किंगडम्स है वहाँ पर बिना राजा के ही ये जो मंत्री है वो ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ही शासन चलाते रहते थे। दिस हैपन 3 टाइम्स इन द 14th सेंचुरी CE, यानी 14th सेंचुरी CE में ही ये 3 बार हुआ है। देन पीपल ऑफ द ऑल ट्राइब्स एंड रिलीजन्स वेयर पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम्स, यानी वहाँ पे जितने भी ट्राइबल जो पीपल्स थे, रिलीजन्स के लोग थे, वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो उनके जो किंगडम था उसका जो पार्ट था, और समय समय पर जिनको तो जितना ज़रूरत होता था उनके अकॉर्डिंग टू उनसे सजेशन भी लिया जाता था। सो ये आपके जो कंप्लीट ये जो अहोम्स के बारे में, साथ ही साथ जो हमारी जो सोशल जो चेंज है जो ट्राइबल जो सोसाइटी है और जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ है, ये चैप्टर भी यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। साथ ही साथ आपको जो इसका जो एक्सरसाइज वर्क है आपके आंसर की है ऑलरेडी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आपको ढूंढने में अगर परेशानी हो रही, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 7th में जाइए और वहाँ पर आपको इसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है वो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर पूरे जो है डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है। सो, ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कुछ डाउट है, कुछ ऐसा सजेशन देना है तो कमेंट्स कीजिए, और साथ ही साथ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।